वेलकम बैक गेमर्स, माइनक्राफ्ट राफ्ट सर्वाइवल के एपिसोड नंबर 2 में। कितना सारा वेट था ना, मुझे भी था इसे अपलोड करने का। तो ऑफ स्क्रीन मैंने काफ़ी सारे काम तो नहीं करे हैं, थोड़े बहुत रिसोर्स गैदरिंग करी है मैंने, एंड इसके अलावा अपने आइलैंड को 2 ब्लॉक बढ़ाया है, एंड दैट्स ऑल। एक्चुअली एक हफ्ते में मैं बस इतना ही कर पाया, वेरी शेमफुल। तो इसके अलावा लेकिन आज की वीडियो में बहुत कुछ करना है। ओके, तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। वेल, लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम करना है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलने के अलावा फिलहाल तो मैंने ऑफ स्क्रीन कुछ भी नहीं करा। अगर मैं तुम्हें नीचे दिखाऊं तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा एरिया माइनक्राफ्ट एक्चुअली पिछले एपिसोड के कंपैरिजन में तो बहुत कुछ कर लिया मैंने। मतलब नीचे माइनिंग की बात कर रहा हूं, वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन नीचे राउंड्स वापस स्पॉन हो गया तो इसलिए वापस जाना बेकार। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 3 ट्री भी उगा दिए हैं, तभी मेरे पास थोड़े से स्लैब्स कम थे इसलिए मैंने बीच का पास हटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाद में उगा लूँगा वापस, मतलब बाद में लगा लूँगा वापस। एंड अभी फिलहाल स्टार्टिंग करते पहले ट्रीज़ को काटने से ही, और इसके बाद मुझे आज जो काम करने हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस सीरीज के अंदर जैसे कि तुम्हें पता है काफ़ी अलग अलग टाइप की रेसिपीज हैं। यहाँ पर मेरे पास शीयर चाहिए, शीयर नहीं बन पा रहा था, शीयर आई थिंक लॉग से बने शायद से, लेट्स ट्राई। एक्चुअली मैं इसमें देखने चाहता हूँ शीयर कैसे बनता है, वुड से बनता है इतना पता है मुझे, एंड ओ ओक वुड जो लॉग को रखने से बनती है, ये वाली वुड। तो इसको बनाते कैसे मुझे ये भी नहीं पता, वुड की रेसिपी आई थिंक यस ऐसे बनेगी हमारी वुड। और इसके बाद ओ मैं थोड़ी ज़्यादा निकाल दी, कोई बात नहीं, अभी हमें बनाना है, इस वुड को निकाल देता हूँ। पॉकेट एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए, हम चावा खेलते खेलते आदत हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास आता है शेयर, एंड ओ ये भी इंशेंट हो गया, अनब्रेकिंग 3 ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इस शेयर के मैंने क्योंकि वेबसाइट पर पढ़ा था कि शेयर को बनाने से हम ज़्यादा सैपलिंग्स निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कितनी सारी सैपलिंग्स आती है हमारे पास। एंड ओके, ज़्यादा सैपलिंग आया, सारी सैपलिंग निकाली, एक बार इन सबको माइन करना उसके बाद देखता हूँ। एक भी सैपलिंग नहीं मिली, इतना घटिया वेबसाइट पर उल्लू बनाया मेरा, बट कोई बात नहीं, लीव्स आ गए, लीव्स से कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है, लीव्स से मैं कुछ एक काम तो कर सकता हूँ, वेस्ट नहीं जाएंगे मेरी लीव्स। इधर एक ब्रिज तो बना सकता हूँ मैं आज जाने के लिए, और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, चलिए हो ओह हो गया, यस अभी मेरे पास 11 बची है। बट मुझे दिमाग खराब हो रहा है, मैंने शेयर क्यों बनाया कि, मतलब मुझे लगा था कि इससे सैपलिंग बनेगी कि लीफ को माइन करके, लेकिन मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। और इसके बाद हमें यहाँ पर मुझे चाहिए एक रेसिपी जिसको मैं भूल गया, उसको बोलते हैं सीव, बट वो उसकी रेसिपी ओ ये रही है। तो सीव हमारा ऐसे बनता है, ये सीव तुम समझ लो यहाँ पर एक कीस्टोन वाली चीज़ है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीव लग जा। एक बार इसे माइन करके देखो मैं उसे उठा पाऊंगा कि नहीं, लेट्स सी। ओह यस आ गया। तो सीव के लिए हमें चाहिए डर्ट, ग्रेवल और सैंड। तो ये एक्चुअली एक टाइप का फिल्टर टाइप का है, या फिर तुम कुछ भी कह सकते हो इसे, जो भी है। इसके अंदर मैं करना क्या होता है, इसके अंदर ब्लॉक अर्च ऐसे होता है इंटरैक्ट, तो इसके अंदर मैं ऐसे कोई ब्लॉक घुसेड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको अंदर अंदर पुश करते हैं, और नीचे से निकलता है ये अलग अलग स्टफ, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास फ्लिंट, रेड स्टोन, डस्ट, आयरन नगेट एंड गोल्ड नगेट, एंड इसके अंदर डायमंड नगेट, एमरल्ड नगेट, ये सब भी होते हैं, तो फिर वो भी निकलेंगे धीरे धीरे करके। मुझे नहीं पता किससे क्या निकलता है, देखो डर्ट से फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ निकलती है, बाकी सैंड और ग्रेवल से क्या निकलता है वो मैं नहीं जानता, और फिलहाल थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि दोनों से मिनरल्स निकल रहे हैं। तो फिर डर्ट को एक बड़ा देखता हूँ क्या क्या मिलेगा। यस देखा, मैंने कहा ना लीव्स, स्लाइम बॉल तो वैसे थोड़ी अजीब है, लीव्स एंड पेबल्स, पेबल्स ये जो है कॉबलस्टोन बनाने के काम आते हैं। देखा मैं कितना स्मार्ट हो गया हूँ आजकल, कॉबलस्टोन को मैं डाल नहीं सकता। ओके, मीनवाइल बैक इन द लोलैंड्स, ये बनता है हमारे पास एक स्टोन बैरल एंड वुडन बैरल। एक्चुअली मुझे दोनों में से किसी का भी यूज़ नहीं पता, इनका यूज़ क्या है बना के देखने का, इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टोन, ओ ये क्या करना है, मैंने इसके अंदर मैंने स्टोन डाल दिया, बट स्टोन से मैं करूँगा क्या मुझे समझ नहीं आया यार, प्लीज़ तो अगर तुम लोगों को पता हो तो मुझे बताओ कुछ। इसको माइन करके देखता हूँ, एंड अरे माइन हो जाए यार, माइन हो जा, अभी देखता हूँ कुछ तो मिलेगा है। ओके नाइस, वेरी गुड, एंड स्टार्टिंग करने वाले आज कॉबल स्टोन सैपलिंग के साथ, एंड हियर वी गो, वेरी एक्साइटिंग कॉबल स्टोन। और इसके बाद कोल सैपलिंग भी बना सकता हूँ, और क्या क्या बना सकता हूँ, इन सब के लिए थोड़ा अलग अलग रेसिपीज हैं, मतलब इनके लिए वैसे भी सैपलिंग चाहिए तो फिलहाल मैं, एंड ए मैं लीव्स से एक्चुअली सैपलिंग्स बना सकता हूँ, यानी इस तरीके से हम ज़्यादा सैपलिंग्स कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली नहीं आएंगी, लीव्स के बाद सैपलिंग्स। ओके, तो फिलहाल पहले मुझे चाहिए थोड़े से स्लैब्स, क्योंकि स्लैब्स से मुझे ना अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, इस वाले को। रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ, बॉबर साथी मस्ती में मगन,
मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। मिलजुल और बर्ड, ट्रैविस और स्पर्ट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे एंड ओ फाइनली डन, बट मेहनत लग गई। ओके अभी तो अभी मुझे चाहिए मैं बस कॉबलस्टोन सैपलिंग जो कि मैं इधर लगाने वाला हूँ। यस बड़ा एक्साइटेड हूँ, कैसे ग्रो करेगा ये, किस तरीके से ग्रो करेगा, क्या मस्त लग रही है ना मेरी सैपलिंग, थोड़ी पतली सी लग रही है। एक्चुअली लीव्स का एक और अच्छा यूज है, मैं इससे बोन मील बना सकता हूँ कंपोस्टर का यूज़ करके। और बोन मील बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इतनी देर हुई ट्री उगाई नहीं, तो इससे उगाऊंगा पूजा। ओ ये क्या डैश है, सॉरी मैं कुछ बोलने वाला था, इग्नोर डैट। तब तक हम ट्री को देखते हैं। तो ये ट्री थोड़ा खतरनाक है, इसके ओ मुझे नॉर्मल वुड मिली एंड मुझे स्टोन भी मिला। यस मुझे नॉर्मल वुड प्लस कॉबल स्टोन दोनों मिलने हैं इससे कभी कभी। देखो अभी इस बार लॉग नहीं मिली, तो इससे हमें कॉबल स्टोन हर एक उसको माइन करके मिलता है। एंड ये लीव को ज़्यादा जल्दी झड़ नहीं रही, पता नहीं क्या है, क्या मैं इससे माइन कर लेता हूँ। एंड एक मिनट मुझे इससे लीव भी मिली, शायद ये अपने आप मुझे सैपलिंग देगा ऐसे। एंड ऑफ कोर्स मुझे जल्दी से आयरन पर अपग्रेड करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवल चाहिए होगा। एंड डायमंड सैपलिंग के लिए पहला डायमंड आ चुका है मेरे पास, जिसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो पहले फिलहाल मैं कोल सैपलिंग बनाता हूँ, यही मेरे औकात के अंदर है और बनाना ज़रूरी भी है। टॉर्च चाहिए मुझे और इसको लगाऊंगा इधर जाकर। कॉबलस्टोन को हटाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ट्रीज का फार्म कम पड़ गया, मुझे और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा इसको, पहले इन सबको हटाना पड़ेगा मुझे। ओके तो यहाँ पर भी थोड़ा साफ साफ हो गया है ये एरिया, एंड इधर झड़ रहा है इसको करो। तो भी हमने लगा दिया था कोल सैपलिंग, थोड़ा सा डेड बूस्ट जैसा लग रहा है ये तो मुझे। अब इसको ग्रो करते हैं। ये तो थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, तो नेदर के अंदर होना चाहिए था इतना हेल वाले टाइप का, लेकिन सही है इसके अंदर मुझे कोल मिलता है। कितना ज़्यादा कोल मिलता है एक बार में, ओके एक बार में एक ही कोल मिलता है, दो तीन नहीं मिलते, कोई बात नहीं ठीक है चलो, कोल लेस वैल्यूएबल है बट फिर भी एक ही मिल रहा है, काम चला लेंगे। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास अभी बहुत कुछ करने को है, लेकिन वीडियो एंड करना है क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे एडिटिंग करनी है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी हम लोगों ने एटलीस्ट इतना समझ तो लिया है कि हम लोग कैसे कैसे अपना ये ओर्स वगैरह करते हैं। तो ऑफ स्क्रीन मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे ओर्स वाले जो ट्रीज हैं उनको बनाने की, टाइम बहुत लगेगा लेकिन, बट फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि सारे के सारे हो जाए। होपफुली ये हो, मैं वीट सीज बना सकता हूँ एक्चुअली, तो होपफुली मैं ये काम कर लूँ। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं करा है। कोई भी क्वेश्चन हो सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तब तक के लिए गुड बाय।